नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। देश में ऐसी कई जगह है जहां पर मुसलमानों की आबादी हिंदुओं की आबादी से कई गुना ज्यादा है, लेकिन इन इलाकों में हिंदुओं के साथ जो बर्ताव और अत्याचार होता है वो ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे देश में पाकिस्तानी सोच पनप रही है। क्योंकि एक ऐसा ही मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से। दरअसल यहाँ टप्पल थाना क्षेत्र में आने वाले नूरपुर गांव में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गांव में लगभग 800 मुस्लिम परिवार रहते हैं। हिंदुओं के 125 परिवार हैं, जिनमें ज्यादातर आबादी जाटव समाज की है। लेकिन यहाँ मुसलमानों ने ऐसे हालात बना दिए हैं कि जैसे कि ये गांव पाकिस्तान में है, यानी कि हिंदुओं का जीना दुश्वार कर दिया है। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि इस गांव में रहने वाले हिंदुओं ने अपने घरों पर मकान बिकाऊ लिख दिया है। नूरपुर में हिंदुओं के ऐसे कई घर हैं जिन पर मकान बिकाऊ है लिखा हुआ है। कहा जा रहा है कि हिंदुओं ने ये सब मजबूरी में लिखा है, क्योंकि मुस्लिम गांव में उनकी बहन बेटियों पर भद्दे भद्दे कमेंट किए जाते हैं, हिंदुओं की बेटियों की बारात को चढ़ने नहीं दिया जाता। दरअसल ये पूरा विवाद एक बारात को लेकर ही है। इस संबंध में गांव के ओम प्रकाश ने पुलिस में तहरीर भी दी है। इसमें उन्होंने कहा है कि 26 मई को उनकी बेटी की बारात निकल रही थी। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने बारात पर पथराव और तोड़फोड़ की। उन्होंने कहा है कि गांव के ही वकील पुत्र अल्लाह राजी के भड़कावे में आकर कलुआ, सरफू, सोहेल और फारूक समेत कुछ लोगों ने गाली दी और बारात को निकलने से मना किया, पथराव किया, जिससे गाड़ी के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए और कई लोगों को चोटें भी आई। तो इस गांव के हालात और बारात की घटना को लेकर पत्रकार केशव मालान ने क्या कुछ जानकारी दी है, एक बार आप भी सुनिए। अब आपको बताते हैं कि दरअसल ये मामला प्रकाश में कैसे आया। तो गांव नूरपुर के रहने वाले ओम प्रकाश की दो लड़कियों की 26 तारीख को शादी थी, जिनकी बारात गांव में आई हुई थी। लेकिन बारात दरवाजे पे पहुंचने से पहले ही गांव की मस्जिद से पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों बड़ी संख्या में एकत्र हुए। पहले तो उन्होंने विरोध किया और विरोध के साथ में ही सबसे पहले डीजे की गाड़ी पर तोड़फोड़, उसके शीशे को तोड़ दिया गया, ड्राइवर के साथ मारपीट और फिर मस्जिद में रखे पहले से और एक मकान में रखे सामान यानी कि डंडा, हॉकी रॉड को एक बड़ी भीड़ ने इकट्ठा किया और उन पर हमला कर दिया। जैसे तैसे जान बचाकर वो अपने घर लौटे और लड़की को रात में विदा किया। सुबह में पुलिस को तहरीर दी लिखित में पीड़ित ओम प्रकाश ने, लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि आज तक टप्पल पुलिस ने, यूपी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। एक सुरक्षा देने के नाम पर गांव में दो पुलिसकर्मियों को बैठा दिया गया, लेकिन आज तक उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जब जानकारी ली गई तो पता चला कि यह पहला मामला नहीं था मुस्लिमों के द्वारा हिंदू लड़कियों की बारात का विरोध करना, उसको रोकना और उसके साथ में मारपीट करना, बल्कि इससे पहले भी दो ऐसे मामले हो चुके थे। कुल मिलाकर 4 घटनाएं ऐसी हुई जिसके बाद में जिससे परेशान होकर के एक गांव के निवासी कहते हैं, वो आरोप लगाते हैं सीधा सीधा कि एक घटना तो उनकी ऐसी भी हुई कि कई बार मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदू लोगों से यह अपील की, प्रेशर डाला, दबाव डाला कि वह अपना धर्मांतरण कर लें, क्यों कि धर्मांतरण करने के बाद में इस तरह बारात निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अब लड़ाई आर होगी या पार होगी, प्रशासन से आर पार की होगी, या तो हम जाएंगे या फिर प्रशासन हमारी मदद करेगा। फिलहाल प्रशासन मदद करता हुआ उन्हें नहीं दिख रहा है। आखिर परेशान होकर हिंदू पीड़ित परिवारों ने, सभी अपने करीब 125 परिवारों ने अपने मकान पर लिख दिया है यह मकान बिकाऊ है। तो सुना आपने किस तरह से इस गांव में हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, जो बहुत सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन अब अलीगढ़ पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से खैर के क्षेत्राधिकारी की बाय ट्वीट की है। इसमें बताया गया है कि पुलिस ने गांव का दौरा किया और अब इस तरह की स्थिति नहीं है। खैर, अब सवाल यह है कि जो लोग गंगा जमुनी की तहजीब का ज्ञान देते हैं, वह अब नूरपुर की घटना पर कुछ भी बोलने के लिए बिलों से बाहर निकलकर क्यों नहीं आ रहे हैं? और सवाल यह भी है कि बहुसंख्यक हिंदू इलाके में मुस्लिम सुरक्षित और शांति के साथ रह सकता है, तो फिर मुस्लिम बहुसंख्यक इलाके में हिंदुओं के साथ अत्याचार क्यों होता है? देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।